सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग होने वाला है रमजान का पहला रोजा। तो गाइस, हम रोजे में क्या करते हैं वो सब आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी उठा हूँ सहरी करने, तो चलिए गाइस सहरी करते हैं और फिर मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी 5 बजने में थोड़ी देर की वार है और सहरी खत्म होने का टाइम 5:34 है। तो जल्दी से चलते सहरी करते हैं। तो गाइस रेडी है चाय और रोटी। तो गाइस आज हम सहरी करेंगे चाय और रोटी से। खाना खा लिया है मैंने, ये बात का है। तो गाइस चलिए अभी खाते हैं। तो दोस्तों जल्दी से पी लेते हैं हम पानी, क्योंकि अभी सहरी खत्म होने में 20 मिनट की देर है। तो जल्दी से पानी पियेंगे, टाइम खत्म होने के बाद हम पानी नहीं पी सकते। तो फाइनली गाइस अभी खा पी के मैं रेडी हो चुका हूँ। तो अभी फिर पढ़ेंगे नमाज फजर की। फजर की नमाज के बाद आराम करेंगे, सो जाएंगे, फिर सुबह मिलते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में और देखिए मैं क्या करता हूँ पूरे दिन रमजान में। तो आपको व्लॉग मिलते रहेंगे मेरे, मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। तो दोस्तों सहरी के बाद मैं गया था नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ने के बाद मैं आ गया था, फिर सो गया था, उस उठ नहीं हो पाया। तो अब चलते हैं नहाने, फिर चलते हैं जोहर पढ़ने और जोहर पढ़ने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली गए सभी, मैंने नहा लिया है और अभी टाइम हो गया है जोहर का। तो अजान हो गया तो सीधा चलते हैं मस्जिद में और फिर नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद मिलते हैं। दोस्तों अभी हम आए जोहर पढ़ के, यहाँ मोहल्ले में बैठे हैं। मोहल्ले में मेरे दोस्त है, ये एडिटर है हमारा, ये दस्तगीर है, जो पिछले 3-4 व्लॉगों में नहीं, पहले 2-1 व्लॉगों में देखा होगा। दोस्तों आज अभी घर नहीं गया मैं, नमाज पढ़ के सीधा इधर सामने चलाया, क्योंकि अभी घर जाऊंगा तो फिर सो जाऊंगा, तो आज सोना नहीं है जगना है, इसलिए अभी मैं इधर आ गया। मेरे दोस्तों के साथ मेरे दोस्त बैठे हैं तो उनके साथ मैं भी बैठूंगा, फिर असर में जाएंगे, असर की नमाज़ पढ़ेंगे, असर की नमाज के बाद जाएंगे दरगाह पर, दरगाह फिर दरगाह से दरगाह जाएंगे, तो फिर वहाँ से तो सीधा इफ्तारी के टाइम पर ही आएंगे। अभी फिर घर जाएंगे, घर क्या बना रहे हैं वो सब दिखाऊंगा, फिर जो शायद मैं फ्रूट लेने गया तो फ्रूट लेने जाऊंगा वो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तो पूरा दिन मैं रमजान में क्या करता हूँ ऐसा ही व्लॉग आएगा, यानी मैं पूरा दिन जहाँ जाऊँगा वहाँ शूट करूँगा, मैं क्या करता हूँ वो शूट करूँगा, यानी पूरा रमजान का डेली व्लॉग रूटीन रखेंगे। यानी सुबह में उठे सहरी करा वहाँ इफ्तार तक का मैं क्या करता हूँ पूरा दिन में वो आपको दिखाऊंगा गाइस। तो अभी ये चार भी लेके आया है सोने के लिए, तो यहाँ से हमने इसको निकाल दिया कि भाई तू यहाँ नहीं सोएगा, क्योंकि यहाँ तो काम चल रहा है, भी सोएगा तो किसी दिन आके इसके भोपाल आएगी घूम पड़ेगी। दोस्तों के साथ बैठा था वहाँ पर और मेरे को फ़ोन आया घर से कि भाई तू आ घर और कुछ काम है, कुछ लाने का है सामान, तो मैं लेने जा रहा हूँ। फिर सामान लाऊंगा तो कुछ ना कुछ नई रेसिपी बनाएंगे तो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं चलता हूँ सीधा सामान लेने। तो ये अपनी स्प्लेंडर ले ली है और स्प्लेंडर लेके सीधा निकले। तो फाइनली के सामान लेके मैं आ चुका हूँ और अब सीधा चलता है घर के अंदर। तो फाइनली घर का काम खत्म करके हम आ गए और अभी फिलहाल मेरे को बहुत आ रही है नींद, लेकिन अभी सो जाऊंगा तो फिर असर मिल जाएगी, असर की नमाज में नहीं उठ पाऊंगा मैं, तो मैं सोऊंगा नहीं। तो अभी दोस्तों को फ़ोन करता हूँ वो कहाँ है, फिर वहीं मैं तुमके साथ बैठे चला जाऊँगा। सामने वाले घर आ गया मैं, क्योंकि मेरे को पता था कि यहीं भी देंगे सब, तो यहीं आ गया। तो अब यहाँ से भी सीधा जाएंगे नमाज पढ़ने, फिर मिलेंगे, फिर जाएंगे मेरे गाँव। तो फाइनली गए सर की अजान हो गई है, तो अभी चलते हैं सीधा नमाज पढ़ने और फिर आते हैं तो फिर जाएंगे दरगाह सीधा। तो गए चलते हैं सीधा नमाज पढ़ने। तो फाइनली गए तभी चलते हैं सीधा मस्जिद में नमाज पढ़ने, असर की अजान हो गई है, चलिए गाइस सीधा हम मस्जिद में मिलते हैं। तो फाइनली गए असर की नमाज के बाद हम आए सीधा दरगाह पर। तो ये अभी हम यहाँ वजू करेंगे, वो सामने मेरे दोस्त वजू कर रहे हैं, अब मैं यहाँ वजू करूँगा। तो अब यहाँ से फिर सीधा चलेंगे रोजे के टाइम वक्त ही, वजू कर लिया है और अब चलते सीधा हम दरगाह में, उसने भी कर लिया है तो नहीं पूछेंगे। गो सीधा अंदर दरगाह में। ऐसे भी हम दरगाह से निकल चुके हैं, हम हमारी मिनट में बैठ फाइनली गाइस दरगाह में जाके आए और अब सीधा चलेंगे घर पर, क्योंकि टाइम होना है रोजा खुलना है, यानी कुछ 20-30 मिनट बाकी है, तो चलते घर पर सीधा। तो गाइस गर्मा गर्म पकौड़े ले जा रहे हैं। इसने रोजा नहीं रखा लेकिन अभी गर्मा गर्म रोजदारों के सामने पकौड़े खा रहा है, ये गर्मा गर्म नहीं अभी पकौड़े खाता है भाई। कल रखेगा रोजा। तो फाइनली गाइस दरगाह से हम आ चुके हैं और घर, अभी घर पकौड़े चल रहे थे गर्मा गर्म,
तो अभी हमने दिखा है। तो गाइस अभी फिर इफ्तारी करने बैठे, तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि हम इफ्तारी करने बैठे क्या क्या लेके बैठे, इफ्तारी कैसे करते हैं। किसी को बजा खुलवा देगा अभी। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ। ये शरबत है, पकौड़े है, फ्रूट है, और इसने रोजा नहीं रखा, खाना स्टार्ट कर दिया इसने। तो अभी कुछ 5 मिनट की देर है, फिर रोजा खुलते हैं। इसका तो खुल गया, इसका तो खुल गया है रोजा, तो इसका कुछ नहीं बोलेंगे। तो अभी अपना शरबत ले लेते हैं और फिर 5 मिनट बाद रोजा खोलेंगे। सो फाइनली गाइस टाइम हो गया इफ्तार का, यानी अभी रोजा खोलने का टाइम हो गया। तो रोजा खोलते हैं, हजूर से बेला खोलेंगे रोजा। गाइस आज का पहला रोजा हमारा कम्प्लीटली हो गया है और अभी अजान हो रही है, तो अभी मैं जाऊंगा नमाज पढ़ने। हमने रोजा खोल लिया है, फिर गाइस ब्लॉग एंड करना तो रही जा रहा है। तो गाइस आई होप गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे मेरे। तो कल भी रेगुलर ब्लॉग आएंगे रमजान के, तो देखते रहना गाइस मेरे ब्लॉग और सपोर्ट करना। अभी भी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।